की जरूरत नहीं है, और फूल के तो नहीं करते बट सिनेमा बहुत पसंद करते हैं। हमने एक इसीलिए उन्होंने मीरा रोड में मल्टीप्लेक्स खोल रखा है बहुत सालों से। सबसे पहला मल्टीप्लेक्स रेंज भाई ने मीरा रोड में बनाया, पहला मॉल बनाया रसाद मॉल। रसाद इनकी कंपनी है और रसाद के नाम से बहुत सारी बिल्डिंगें बन रोज लोगों को बना के दिए हैं। अभी भी मीरा रोड में रामदेव पार्क में इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रसाद ग्रीन के नाम से। और यहाँ अपने ओशीवारा लोखंड वाले में भी इन्होंने ओशीवारा मेट्रो के नीचे बिल्डिंग दी है, वो भी काम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें हमेशा हर जगह मेरी हेल्प करते हैं, मेरा साथ देते हैं और मैं इन्हें भाई ही बोलता हूँ, आइए मुझे अली भाई बोलते हैं। और मैंने इनसे एक्टिंग भी कराई, जो मैं जिक्र कर रहा था फैमिली फर्स्ट फिल्म का जो इस फेस्टिवल में दिखाई भी जाएगी। इन्होंने बहुत जिद किया कि मैं नहीं करूँगा, इवन एक बार इन्होंने शूटिंग कैंसिल करवाई। तो मैंने कहा करोगे तो आप ही करोगे, और फिर बाद में दोबारा से इन्होंने करी और फिर मच्छी बनी। उसी फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था जिसको 27 अवार्ड मिल चुके हैं, और उसी फिल्म की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ना मैं फेस्टिवल्स में जाता ना फेस्टिवल्स के बारे में सोचता, ना मैं ये फिल्म फेस्टिवल करने की ठानता कर रहा हूँ। और उस हमारे इस फेस्टिवल में सिने टीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें कैलाश जी भी हैं, जरीन नवाब जी हैं, समीर रमजान साहब हैं, बहुत सारे लोग। तो अभी ये रात को 3 बजे सुबह यूपी से आए हैं, यहाँ नहीं थे, और मीरा रोड गए सुबह स्कूल में झंडा फहरा रहा था। तो लेकिन मेरी जिद पर कि आपके बगैर नहीं होगा, वहाँ से अभी आए सीने लेके आए तो सब आप लोगों को माफी चाहूँगी कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। बाकी ऐसा नहीं कि शुरू कैसे भी एंड अच्छा होता है तो अच्छे होता है, और योगेश भाई और रही भाई इन लोगों ने इसका अंजाम भी अच्छे हम लोग ये बहुत जो भी एक फिल्म है वो दिखाएंगे जो हिंदुस्तान की है। और सेकंड डे हम लोग एक फिल्म दिखाएंगे जो पार्सियल उसका टाइटल है, जो ईरान की फिल्म है। और इसी तरह से डेली दो फ्यूचर फिल्म एक सिनेमा में, दो फीचर फिल्म दूसरे सिनेमा में दिखाई जाएगी, और बीच में शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगे। इस तरह से दोनों दिन दोनों सिनेमा में समझिए कि 4 फिल्म फीचर फिल्म दिखाई जाएंगी एक दिन में, और दूसरे दिन 4-8 फीचर फिल्म दिखाई जाएंगी, जिसमें हिंदी भी होगी, दूसरी लैंग्वेज की भी फिल्म होगी, मराठी भी होगी, शायद गुजराती भी है, एंड फॉरेन फिल्में भी हैं इंग्लिश की, वो भी दिखाई जाएंगी। बाकी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी। और कितनी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं उन फिल्मों की ये लिस्ट अभी हम आप सबको देने वाले हैं, उसे आप लोग भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, उसको जहाँ जैसे चाहें आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको आना है देखना है, और लोगों को ये बात लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, हम सबकी मेहनत को आके देखें कि हम लोगों ने कुछ किया है, कुछ करने जा रहे हैं। और इस तरह से इस फेस्टिवल का ये पहला साल ज़रूर है, बट अब ये फेस्टिवल हर साल होगा, और हमने अभी से इसकी सारी प्लानिंग कर ली है। नेक्स्ट ईयर मई एंड में ये फेस्टिवल जुहू PVR में ही होगा, ये जब भी होगा जुहू के PVR सिनेमा में ही होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिनेमा की बात सिर्फ सिनेमा में की जाए, और हिंदुस्तान में PVR से बेहतरीन और कोई जगह नहीं फिल्में देखने और सीखने के लिए। हर कोई वहाँ देखना पसंद करता है, और हम वहाँ पर ही दिखाना पसंद करते हैं। खुद भी अपनी मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मेरी दूसरी कंपनी है E4U इंटरप्राइजेस, जिस पर हम फिल्म भी बनाते हैं, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास सिनेमा हमेशा PVR ही होता है, और वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हमारी डेट के हिसाब से सिनेमा दे रहे हैं, जबकि हम 2 बार इसकी डेट हमें कैंसिल करनी पड़ी। पहले मैं ये फेस्टिवल 30 मई को कर रहा था, बट बीच में इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से जून में हमें इसकी डेट शिफ्ट करनी पड़ी, और फिर आपके अक्टूबर में एक होर्डिंग गिर गया, बहुत लोगों की डेट हो गई। इस बात को लेके बहुत सारे लोग चिंतित हुए, हमें बहुत कंपनी को मेल आए, फ़ोन आए कि सर आप बारिश रहेगी जून में, मुंबई में बारिश का मौसम होता है, इस साल पहले से ही बरसात की बहुत
खबरें आ रही हैं तो आप इसे और आगे प्लीज शिफ्ट कर लीजिए। अब हमारे सामने मजबूरी थी कि जुलाई में तो और बरसात होती है, पहले साल हादसा हो चुका है मुंबई में जुलाई का, तो फिर पीवीआर से मिला तो पीवीआर ने कहा कि बात सही है, आप ऐसा करिए कि अगस्त एंड में हम आपको सिनेमा देते हैं, आप अपना फेस्टिवल जो है अगस्त एंड में करिए तो बरसात भी करीब करीब ना के बराबर होगी, तो इसलिए हम इसे अगस्त एंड में रखा, तो बिल्कुल एंड में रखा 27th October। सैयद जी आप क्या कहेंगे? सैयद जी आप इसके आप स्पेशली आज लखनऊ से आए। मैं एज ऑर्गेनाइज़र हूँ तो अभी तक तो जो हमारे सीनियर कर रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे लगा हूँ और कर ही रहा हूँ, अच्छा हुआ है अभी तक। और आने वाले दिनों में जो हमारा ये शो जब ख़त्म होगा तब दिखेगा कि हमने क्या मेहनत करी है और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए आप लोगों से चाहूँगा कि पूरा सपोर्ट मिले हमें और हम आगे बढ़ें और जो भी हमने प्लान किया उसको अच्छे तरह से हम कर पाएँ, और अगर हमने वो कर लिया तो आगे और बड़ा प्लान है कुछ, तो मुलाकात होती रहेगी और करते रहेंगे सर। अयूब भाई, ये मेहुल जी भी जुड़े हैं हमारे फेस्टिवल के साथ, तो उनकी कौन सी फिल्में दिखाई जाएंगी? मेहुल साहब अपनी फिल्म हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं आपको कौन सी फिल्म दूँ दिखाने के लिए, तो मैंने कहा कि आज के माहौल में जो हिंदुस्तान की हमारे माहौल चल रहा है, हिंदू मुसलमान ये हो जहाँ भी देखो सब परेशान है, जबकि सब साथ में फिर बैठते हैं शाम को, साथ में कारोबार भी करते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गुमराह कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं तो ये चाहूँगा कि क्रांतिवीर आपकी फिल्म जो इसी मुद्दे पर है जो लोगों को बहुत पसंद आई है, उसमें नाना साहब ने बहुत अच्छा काम भी किया है, बल्कि आज भी जहाँ भी नाना साहब का जिक्र होता है तो क्रांतिवीर का जिक्र ज़रूर। तो हमने कहा कि उन्होंने किसी कंपनी को फिल्म भेजी हुई है, उनसे बात कर लीजिए, अगर वो परमिट करें उनके अगर कुछ चार्जेस होंगे तो मैं वो लेने को तैयार हूँ, तो मैं वो फिर दिखाऊँ लोगों को। और वो दिखाने का एक और भी रीज़न है कि आज जो फिल्में बन रही और पहले जो फिल्में बनी उन फिल्मों में आज के मेकर्स में बहुत फ़र्क है, तो उन्हें ऐसी फिल्में देख के ये भी समझ में आएगा कि फिल्में कैसी बनानी चाहिए, कैसी फिल्में चलती थी। अभी भी वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ें देखते हैं पसंद करते हैं, तो उन्हें भी कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या काम किया है। और ये फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज इसीलिए किया है, मैंने खुद ने 2 साल पहले एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई फैमिली फर्स्ट, और मेरी फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड्स भी मिले, से अभी तक 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं, और कुछ फेस्टिवल्स में मैं गया और वहाँ जाके मैंने जो वहाँ का हाल देखा तो मैंने ये देखा कि लोग पैसे दे के अवार्ड लेते हैं और लोग पैसे ले के अवार्ड लेते हैं, उन्होंने फिल्म फेस्टिवल को एक कारोबार बनाया जहाँ पर इंसाफ नहीं। इवन ऐसी वो जाने कि वहाँ पर आपको पानी भी पीना है तो खरीद के पीना पड़ेगा, जबकि आप वहाँ उनके गेस्ट हैं, आप अपने पैसे खर्च करके गए हैं, होटल में रुके हैं, अपनी फिल्में उनके फेस्टिवल को दी हैं। तो मैंने एक दो लोगों को बोला कि भाई साहब आप ये फिल्म फेस्टिवल करते हैं, अगर हम लोग अपनी फिल्में आपके फेस्टिवल में भेजना बंद कर दें तो आप क्या करोगे, कहीं आपको कोई दूसरा कारोबार करना पड़ेगा। तो कम से कम हम टेक्नीशियन लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपको, हमें इज्जत दरकार, हमने इतनी मेहनत करके हमारी पूरी यूनिट ने मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म इतनी अच्छी बनती है कि आपके फेस्टिवल्स में आती है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो कम से कम आप लोग ये अवार्ड के अलावा हमें इज्जत तो दो। उसके बाद फिर हमने आके अपने दोस्तों यारों से जैसे पराग साहब हैं, ये हमारे योगेश भाई हैं, कुछ और दोस्त हैं हमारे उसमें आपके पहला नीलानी साहब हैं, इन सारे लोगों से डिस्कस किया कि सर मैं एक अच्छा साफ सुथरा फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, और जहाँ पर अच्छी फिल्मों को और अच्छे काम करने वालों को ही अवार्ड देंगे, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे वो डायरेक्टर। तो इस तरह से हमें इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि हमारी ईको यू का जो कंपनी है तो उन लोगों ने कहा कि आप ईको यू के नाम पर फिल्म फेस्टिवल रखिए, तो मैंने कहा नहीं ये थोड़ा अटपटा लगता है, हमें फिल्म से जुड़ा हुआ कुछ टाइटल, तो इसलिए हमने सिने विंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा,
क्योंकि सिनेफिल मतलब है कि लोगों का सिनेमा से जुड़ा हुआ एक सपना, हर आदमी चाहता है कि मैं एक बेहतरीन फिल्म बनाऊँ और वो फिल्म लोगों को पसंद आए, लोग सराहें, हमें अवार्ड भी दें और हमारी फिल्म को देख कर हमें काम भी मिले, हमारा सपना भी पूरा हो। इसलिए मैंने इसका नाम सिनेफिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा और उस तरह से फिर एक करते गए और जिन जिन को हमने कहा सारे लोग जुड़ते गए, सब लोगों ने बोला, हमारे दोस्त बैठे हैं संजय दिवाकर का, इनके साथ हमारी रिश्ता तो ये भी मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से, तो उन्होंने कहा कि अभी भाई मैं भी आपके साथ हूँ, आप करिए जहाँ मैं जितना वर्क दे सकूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बिजी रहते हैं काम से, मैं अपने दोस्तों का मैं भी वर्क लूँगा, तो अब मैं ये माइक में अपने दोस्त संजय वो कुछ पूछना चाहिए आपको, देना चाहता हूँ सारी पूछ लीजिए आप कुछ कह रही थी जो प्रोग्राम है 28-29 ऑफ दिस मंथ अगस्त को PBR जुहू मूवमेंट है, तो मेरी पूरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए अयोग भाई के लिए, और जिस तरह से मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारी फिल्में आई हुई हैं और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो गया है, ये उम्मीद से ज़्यादा दुनिया भर की फिल्में आई हैं, मुंबई से बहुत सारी फिल्में आई हैं, इंडिया से फिल्में आई हैं, जो मुझे बताया गया है मोर देन 400 फिल्म्स ऑलरेडी रिसीव, तो उसमें जो उसका चयन होगा जो बेस्ट फिल्म होगी उसका काम शुरू हो चुका है, और मुझे पूरा यकीन है जो बहुत अच्छी फिल्में आई हैं उनको चुना जाएगा और उनको कैटेगरी के मुताबिक अवार्ड दिया जाएगा। माय ऑल गुड विशेस आर विद अयूब भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने फैमिली फर्स्ट नाम की, जो लोगों को मोटिवेट करना था और कोरोना के बाद बनाई थी, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया और करीब करीब जैसे उसके लिए बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर के बाद वो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। मुझे पूरा विश्वास है उस फिल्म को हमेशा की तरह इसको भी काफ़ी अच्छे अवार्ड से नवाजा जाएगा, थैंक यू। योगेश भाई जैम ऑफ द पर्सन, इनके बारे में कुछ कहना, सूरज को रोशनी दिए दिखाने जैसा होता है, ये इतना कह सकता हूँ दोस्तों के दोस्त यारों के यार हैं, और ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, हमेशा लोगों के काम आते हैं और इंडस्ट्री को कामयाब बनाने के योगेश भाई का बहुत रहा है, और ऐसा कौन एक्टर है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है जो योगेश भाई की जितना दोस्ती ना हो, और योगेश भाई ने जिसके लिए किसी न किसी शक्ल में कभी ना कभी हेल्प ना की हो, वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है जहाँ तक मैं जानता हूँ पर्सनली उनके लिए, और मैं दुआ करता हूँ योगेश भाई के लिए उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी उम्र हो, जिस तरह से वो लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए अपनी सर्विस देते आ रहे हैं, ऐसे बहुत लंबे समय तक वो देते रहे, और बहुत सारी मेरी उनके लिए शुभकामनाएँ हैं, मैं आई विश हिम वेरी गुड हेल्थ एंड वेल्थ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैं हमारे पराग साहब हैं, सब बिजी लोग हैं, तो सारे लोगों ने वक्त निकाल के उन फिल्मों को बारीकी से देखा और उन फिल्मों में से बेहतरीन फिल्मों को चुना, उन फिल्मों को हम 27 और 28 अप्रैल को जुहू PVR सिनेमा के दो ऑडियो मतलब दो सिनेमा में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि हम सारी फिल्में जो सिलेक्ट की गई हैं वो दिखा सकें, और वो स्क्रीनिंग होगा 10 बजे से शाम को 10 बजे तक दोनों दिन, तो उसी की हम अनाउंसमेंट करने के लिए जमा हुए हैं, ताकि लोगों को उनकी फिल्मों के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके कि आपकी फिल्में से हुई हैं और आपकी फिल्मों में से अब हमारी जूरी फिर से उन फिल्मों को देखेगी सिलेक्टेड मूवी को, उनमें से जो फिल्में सिलेक्ट होंगी जिस कैटेगरी के लिए उन फिल्मों को उन कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा जाए, उन्हें अवार्ड दिया जाए सम्मानित किया जाए, और वो 29 अगस्त को जुहू PVR सिनेमा में ही होगा, और अब इसके बारे में और कुछ बातें हमारे कलाकार भी बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, जब अयूब भाई मेरे पास आए तो सबसे अलग है, हालांकि अयूब भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और मुझे लगा एक और फिल्म फेस्टिवल
इतने फिल्म फेस्टिवल होते हैं दिन भर में, मतलब कम से कम हम लोग मीडिया में होते हैं तो हमारा इनबॉक्स में हर दिन एक फिल्म फेस्टिवल आता है। अब चूंकि आयुब भाई मेरे मित्र थे तो इनिशियली मैं इनको मना नहीं कर पाया, बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे 7-8-10 दिन गए, मेरे इनबॉक्स में फिल्में आना शुरू हुई और इतनी कमाल कमाल की फिल्में आई हैं, और हम सब जो जूनियर मेंबर्स हैं, मतलब मेरे हिस्से कुछ 100-125 फिल्में आई होंगी, ये दो सवा दो महीने से हम लगातार फिल्में देख रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर फिल्में जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिल्म फेस्टिवल में होती है, उस तरह की फिल्में हैं। और हमारी सेंसिबिलिटी से जितना अच्छा सिनेमा हो सकता था वो हमने चुनने की कोशिश की है, उसका एग्जीबिशन होगा PVR में और फिर जिस तरह से वहाँ पे कंपटीशन होगा उसमें से बेस्ट फिल्म चुनी जाएगी, जैसा आयुब भाई ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ। बाकी आप PVR में आइए, आपका सभी का स्वागत है, आपको आनंद आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आयुब भाई। और अब हमारे सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं और राकेश जी, ये भी दो शब्द कहेंगे, उसके बाद फिर हमारे योगेश भाई हैं। मुझे आयुब साहब के बारे में बहुत साल से जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे मुलाकात जो हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एक बार फिर से, वो तकरीबन एक साल पहले हुआ। और तब ये कुछ एक्टिंग स्कूल वगैरह की बात मेरे साथ इन्होंने की, मैंने कहा मैं ज़रूर मैं शिरकत करूँगा जब भी आ सका, कोई ना कोई मास्टर क्लास लूँगा आपके लिए। और फिर ये इन्होंने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, हालांकि मैं उसमें कोई जूरी में मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मित्र हूँ इनका, एक हितैषी हूँ, एक वेलविशर हूँ, और उसी लिहाज से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई, ये कोई मैं कहूँ कि कोई कमर्शियल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हैं या पैसा कमाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें तो अपनी जेब से पैसा इनका लग रहा है और उसके बावजूद भी ये आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स जाकर ये बहुत करके से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल एक्टिविटी कि उसमें टिकट नहीं है, ऐसा कुछ है कि जिनों की उसमें से पैसा कमाएंगे ये, तो इट इज़ जस्ट कि एक प्रोत्साहन देना, एक वर्ल्ड सिनेमा को यहाँ पर लेके आना, वर्ल्ड सिनेमा के साथ आप जुड़ना और ये हमारे लोगों को दिखाना कि वर्ल्ड सिनेमा में क्या हो रहा है, और वर्ल्ड सिनेमा के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो वो भी देखेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है। इट्स मोर ऑफ यू नो एक ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर कि आदान प्रदान होता है थॉट्स का और टैलेंट का, तो उसमें मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने ये पहल की, पहली बार कर रहे हैं तो ये पहली मैं कहूँगा पहल की है उन्होंने। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, बहुत अच्छा करेंगे। और बाकी हमारे योगेश जी तो है ही, इनके साथ हर जगह बैनर लगा देंगे। योगेश जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी इनके पास कोई आता है ये हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। मैं भी इनके पास कई बार आया हूँ थिएटर के, हमारा हम प्ले कर रहे हैं, हमारे बैनर लगा दो तो फटाफट ये बिल्कुल बोलते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये कोई उसमें मतलब ही डजंट इवन विंक एन आई टू हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड यू नो पीपल इन द इंडस्ट्री, सो नाइस। थैंक यू योगेश जी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग। और पराग तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो आई एम श्योर कि बड़ी अच्छी जूरी है इनके पास और अच्छा रिजल्ट होगा। दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उसके बाद अपने दोस्त योगेश भाई को माइक दूंगा। बात यह है कि हम अपने फिल्म फेस्टिवल में कुछ एक और काम कर रहे हैं, और ये बात सही है कि अपने घर का पैसा लगा के काम कर रहा हूँ। अभी तक हमने कहीं से एक रुपए का कोई स्पॉन्सर नहीं लिया, कई लोग हैं जो चाहते हैं, हो सकता है कि आए भी, उनका स्वागत है। और वो नया काम यह है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, वहाँ पर हर फंक्शन में किसी एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाता है, कहीं किसी एक एक्ट्रेस को दिया, बट जो ज़मीन है फिल्म उसको कोई आगे नहीं ला। ज़मीन है कहानी, स्टोरी, बगैर स्टोरी के, बगैर कहानी के, बगैर राइटर की कोई फिल्म नहीं।
तो मैंने अपने इस फेस्टिवल में ये एक प्लान किया है और करने जा रहा हूँ। उसमें भी मेरे सारे लोग मेरे से जुड़े हुए, खास करके पहलाज नीलानी साहब मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और उनको भी मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम अपने इस फेस्टिवल में जिस दिन जिनकी फिल्में आई हैं, सिलेक्ट हुई हैं, उनको तो हम अवार्ड देंगे ही देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट, बट उसमें हम राइटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे, डायरेक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे, एक्टर और एक्ट्रेस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे और प्रोड्यूसर को भी देंगे, क्योंकि फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये तीन लोग बनाते हैं, उसके बाद एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। कभी कभी किसी रोल में दो दो तीन तीन एक्टर सूटेबल होते हैं कि वो मिल गए, वो ले लिए, उनकी डेज की प्रॉब्लम है, प्राइस की प्रॉब्लम है, उनकी जगह किसी और को लिया जाता है, बट ये तीन लोग कभी चेंज नहीं होते, वही होते हैं। तो हमारे इस 29 के अवार्ड फंक्शन में हम वो काम भी कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री के वो दिग्गज लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से आज ये इंडस्ट्री इतना फल फूल रही है, फल फूल रही है। बाकी ऐसी फिल्मों की, ऐसी सोच की बहुत ज़रूरत है इस समय जो देश को जोड़े, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो कोई भी एफर्ट, अगर इन्होंने एफर्ट किया है कि क्रांतिवीर आए, इसलिए ला रहे हैं क्रांतिवीर, और सिर्फ ला नहीं रहे, अभी इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेहुल जी ने किसी को बेची हुई है, अगर उसको पैसे देकर भी लाना पड़ा तो भी ये लाएंगे, तो मतलब उसमें भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है इनको, लेकिन फिर भी लाएंगे, बिकॉज सो दैट आज की जनरेशन को और जो लोग आते हैं देखने या जो जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भाई क्रांतिवीर, शायद इसके आने से लोग क्रांतिवीर देखें एक बार फिर से अपने YouTube पे जाकर या किसी चैनल पे जाके, जहाँ अवेलेबल है, यू नेवर नो, यू नो, क्योंकि आजकल के लोग पुरानी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं, आज की जनरेशन तो भूल ही, अभी हम अंदर डिस्कस कर रहे थे कि किसी यंग लड़के को कैसे, मैं सुहाग खड़ा था, किसी ने पूछा कि राजेश खन्ना का जिक्र हुआ, तो उसने कहा वो राजेश खन्ना, तो 15 साल का लड़का आज की डेट में राजेश खन्ना को नहीं जानता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उसको, तो क्योंकि, और ये भी नहीं है कोई पुरानी फिल्म कोई देखता है, कोई चला के नहीं देखता पुरानी फिल्म, क्योंकि नया कंटेंट इतना ज़्यादा हर रोज़ आपके सर पे थोपा जाता है कि आपके पास पुरानी फिल्म देखने का कोई वक्त ही टाइम भी नहीं है बिल्कुल। तो उस माहौल में अगर ये क्रांतिवीर एक बार फिर से ला कर एक जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। आपकी भी कोई फिल्म दिखानी चाहिए, आपने राशि जी के साथ और भी आपने बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए, तो आपकी फिल्म क्यों नहीं दिखानी? इनकी नज़र में मैं उतना शायद काबिल नहीं हूँ कि फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाई जाए, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अयूब साहब, मैडम क्या है, हमारा अगर बस चले तो मैं हिंदुस्तान की वो सारी बेहतरीन फिल्में दिखाऊँ लोगों को, लेकिन अब मजबूरी यह है कि सिनेमा इतना महंगा है और वक्त, फिर भी हमने कोशिश करी और PVR ने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं एहसान मंद हूँ, उन्होंने मुझे दो सिनेमा दो दिन लोगों की फिल्में कैंसिल करके दे रहे हैं और तीसरे दिन एक सिनेमा हमें दे रहे हैं अवार्ड करने के लिए, वरना लोग तो अवार्ड किसी होटल में करते हैं, सिनेमा में नहीं कर सकते। कौन कौन सी सिनेमा कैंसिल कर रहे हैं? ये तो वही सिनेमा वालों से पूछे जिनका है तो अच्छी बात है। मैं आपका हमारे मुहूर्त पे भी आई थी, तब भी आपने मेहुल जी से आपने ये सवाल किया था कयूब साहब के फेस्टिवल में आप अपनी कौन सी फिल्म भेज रहे हैं, मुझे याद है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो फिल्म बनाना भी छोड़ दिया, मैं फिल्म नहीं बनाता, फिर भी आप लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा फिर अब ये कह सकता हूँ कयूब साहब मेरी जो फिल्म चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि इनको दूँ मैं दिखाने के लिए, बस ये है कि मैं अपनी फिल्में भेज चुका हूँ, तो मैंने उनसे वही बात कही कि सर आप भेज चुके हैं, जिन्हें भी आपने भेजी है उनसे बात करिए, हमें एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए उसकी फिल्म दे दें, पर फिर हम वो भी कमर्शियली नहीं दिखा, हम कोई टिकट पर तो नहीं दिखा रहे हैं, फेस्टिवल में दिखा रहे हैं, और वो फिल्म फेस्टिवल में दिखने से आप लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ फिर पहुँचेगी, तो लोग जैसे कहा राकेश भाई ने कि यूट्यूब में यहाँ वहाँ जाके देखेंगे तो उनका कारोबार भी बढ़ने वाला और लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, उससे जिन लोगों ने देखी है या जो उसे फिर से देखेंगे उनके जहन में एक बात तो आएगी कि यार हम इंसान पहले हैं और हिंदू और मुसलमान हैं, जबकि हर कोई ये जानता है कि इस दुनिया में जब
गॉड ने यह सोचा कि मैं दुनिया बनाऊँ तो एक ही इंसान बनाया जिसका नाम है आदम अली। उसके बाद उनके पसली से एक लेडी पैदा किया जिनका नाम है हवा। उन दोनों के मिलने से फिर इंसान बढ़ते चले गए और आज हम इतने हो गए हैं कि हमें बहुत सारे कंट्री हैं, देश हैं। अगर वो ना मिलते तो अच्छा होता और हम मिलके बहुत गड़बड़ करते हैं। तो अगर जैसे जैसे हम शादी ब्याह में गोद मिलाते हैं तो अगर उस तरह से ये गोद मिलाते जाए ना तो एंड में हम सब एक ही जगह पहुँचेंगे और हम सब आपस में रिश्तेदार और भाई बहन अलग नहीं। और तो इस चीज़ को ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने खास करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इस देश का मालिक बनने के लिए सारा कुछ कर दिया। और हमारे देश में बेकारी ज़्यादा है, उस बेकारी के चक्कर में लोग उसमें उलझते चले जा रहे हैं। संजय साहब से पूछे जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय शुभांकर है और सौभाग्य से जब ये इस सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हुई तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अयूब भाई के साथ, अयूब भाई का एक सपना था, एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि बन अपने सफीने का ना खुदा है दोस्त, बुलंद अज़्म हवाओं के रुख बदलते हैं। और इनके इरादे इतने बुलंद रहते हैं, इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, साम दाम दंड भेद किसी तरीके से, लेकिन जो सोचा है उस तक पहुंचना है और बखूबी पहुंचना है, अच्छे तरीके से पहुंचना है। पहली बात अयूब भाई ने जो सबसे पहले मुझे बोली थी वो ये बोला था कि संजय भाई फिल्म फेस्टिवल हज़ारों हो रहे हैं और वाकई में हज़ारों हो रहे हैं। आज तो गली मोहल्ले के भी फेस्टिवल होते हैं जिसमें ना फिल्में देखी जाती हैं ना दिखाई जाती हैं, जितनी आती हैं सब अवॉर्ड दी जाती हैं। तो इनका सबसे पहला शब्द वो था कि हम जो बनाना चाहते हैं, हम जो फिल्म फेस्टिवल लगाना चाहते हैं उसमें हम बस ये चाहते हैं कि बेहतर सिनेमा और टेक्नीशियंस की बेहतर इज्जत, अच्छी इज्जत हो, अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुंचे और उस तक अच्छे तरीके से पहुँचे। तो जब भी बात हुई तो चूँकि ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नहीं सिनेमा को लेके यहाँ गली गली इस तरीके के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, 8 जनवरी को हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग की थी, तब आप लोग थे सब लोग यहाँ पर। सात फरवरी को हमने इसकी लॉन्चिंग की और उसके बाद हम लोग आज यहाँ तक आ गए हैं, कदम कदम बढ़ते चले गए हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जा रही हैं। रही एक बात मैं बताऊँ कि फिल्मों के लिए फिल्में बनती बहुत हैं लेकिन अच्छी फिल्में आज बहुत ऐसी होती हैं जो दम उनका घुट जाता है और दिख नहीं पाती है, दिखाई नहीं जाती है। लेकिन इस तरीके की जो फेस्टिवल, जैसे ये फेस्टिवल हमारा है, हमारे फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, एक एक फिल्म बड़ा मुश्किल हो रहा है कौन सी फिल्म अच्छी है, किसको एक एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं उनका टक्कर हो रही है, जिसकी वजह से फिर भी पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ कि जितनी भी फिल्में दिखाई जाएँ उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाए और बहुत सोच समझ के दिखाया जाए जो एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा के करीब पहुँचाती है हमारे। बाकी फेस्टिवल में आप सब रहेंगे, लोग देखेंगे और फिर आप निर्णय करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप सबका। विधान है तो उन सारे लोगों को हम इस फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं और सारे लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो ये एक काम होगा, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको 27 और 28 को जब स्क्रीनिंग होगी तब आप लोगों के सामने आएगी, आप लोग वहाँ पर भी आइए। और अब मुकेश भाई दो बात कहेंगे। मंच पे बैठे हुए सभी भाई और आप लोग जो भाई बहन और जो उनका पत्रकार सब रिपोर्टर्स और सबका मेरे दिल से वेलकम। और जो सीनियर ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो फाउंडर है अयूब भाई, मेरे बहुत सारे से दोस्त रह चुके हैं और मैं उनके हर इवेंट का एक हिस्सा हूँ और मैं उनको हर बार सपोर्ट करता हूँ। और मेरे को खुशी है कि मैं उनके इस इवेंट का भी हिस्सा हूँ और आगे पार्टनर हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया से अच्छी अच्छी फिल्मों की बहुत सी एंट्रियाँ हैं इसमें आई है और जूरी ने बहुत सी फिल्में जो सिलेक्ट की है वो 27 और 28 अगस्त को PVR के सिनेमा में दिखाई जाएगी। तो आप सब भी उधर आ सकते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और